धार जिला पंचायत क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 6 अमझेरा दसई में कार्यालय उद्घाटन से लेकर जनसंपर्क तक चुनावी प्रत्याशी का पति संभाल रहा पूरा क्षेत्र। धार जिले में इन दिनों चुनाव प्रचार प्रसार जोरों पर चल रहा है। चुनावी प्रत्याशी अलग अलग अंदाज में अपना प्रचार करने में जुटे हैं। जिला पंचायत में इस बार महिला आरक्षित सीट होने की वजह से बहन बेटियों को भी चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है, जिसका वे भरपूर फायदा उठाते हुए दिख रही है। इस दौरान जिला पंचायत क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 6 अमझेरा दसई में कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला, जहां पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक महिला को टिकट दिया गया है, लेकिन महिला की जगह वार्ड क्रमांक 6 अमझेरा दसई में कार्यालय उद्घाटन से लेकर जनसंपर्क तक भाजपा प्रत्याशी का पति ही संभाल रहा है पूरा चुनावी मैदान। ऐसे में अगर कभी वार्ड क्रमांक 6 से भाजपा प्रत्याशी जीत जाती है तो क्या अगला कार्यकाल भी रहेगा पति के भरोसे? क्या केवल नाम की रहेगी महिला उम्मीदवार? जो उम्मीदवार अपने पति के भरोसे चुनाव लड़ रही हो, क्या वो भरोसे लायक है? ये सोचने का बड़ा विषय है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी बालिका लोगों के घर घर जाकर न केवल अपने लिए वोट मांग रही है, बल्कि लोगों की समस्याएं जानकर चुनाव जीतने के बाद उन्हें हल करने की बात भी कह रही है। इन्हीं वजह से लोगों की पहली पसंद बनती जा रही है कुमारी गायत्री राजेंद्र पुरोहित।